दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म प्रे की, जो कि प्रेडेटर के सीरीज की पांचवी एक काफी जबरदस्त मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है freshmojoindia। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1715 की साल में हमें जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों के एक कबीले के एक घर में नारू नाम की एक लड़की को दिखाने के साथ होती है। और फिर सुबह होती है और वो अपने कबीले की औरतों के साथ जंगल में आगे बढ़ती है, जिसमें नारू का काम स्पेशल किस्म के फल और फूल को तोड़ना होता है और वो इस काम में लगती है। और उस जगह पर काफी सारे लड़के पेड़ पर हथियार चलाने की प्रैक्टिस करते हैं और तब नारू भी अपनी कुहाड़ी से प्रैक्टिस करने लगती है, जिसमें उसका निशाना काफी अच्छा होता है। और फिर नारू को वहां पर एक हिरन नजर आता है और तब वो उसका शिकार करने अपने कुत्ते के साथ तैयार होती है। और वहीं पर आसमान से एक काफी तेज आवाज आती है और तब हिरन वहां से भागता है, जिसमें नारू उसका पीछा करती है और फिर वो हिरन पर निशाना लगाती है, लेकिन हिरन वहां से भाग जाता है। और फिर नारू के कुत्ते का पैर एक जाल पर फंस जाता है और तब नारू उसे आजाद करती है। और फिर उसके फूलों से वो अपने कुत्ते का भी इलाज करती है, जिसमें कुत्ता काफी अच्छा फील करता है। और फिर नारू उस जाल को देखती है जो कि उनके आदिवासी कबीले की नहीं होती। और फिर नारू को फिर से आसमान से आवाज आती है, जिसमें आसमान से कोई चीज जमीन की तरफ आती हुई दिखती है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। अगले दिन नारू अपने भाई डैन के साथ निशाना लगाने की प्रैक्टिस करती है, लेकिन वहां नारू काफी स्लो होती है और तब डेव निशाना लगाकर पंछी को मार देता है और डेव कबीले का सबसे अच्छा शिकारी होता है। और फिर वहां नारू उसे कल दिखे हुए आसमान की चमकती हुई चीज के बारे में बताती है, जिसमें उसने अभी तक अपना पहला शिकार नहीं किया होता और वो करके वो खुद को साबित करना चाहती है। और तब डेन उसे इस चीज में अभी भी काफी वक्त है ये बताता है। और फिर वो लोग वहां से अपने कबीले में आते हैं, जिसमें नारू अपना सामान लेकर अपने घर पर आती है और वहां वो अपनी माँ के साथ मिलकर दवाई बनाने के काम में लगती है और वो इस काम में अच्छी होती है, इसलिए उसकी माँ उसे यही करने कहती है। और तब नारू बताती है कि वो शिकार करने में इससे भी बेहतर है और वो खुद को बस एक बार साबित करना चाहती है। और तब उसकी माँ उसे दवाई बनाने पर ही ध्यान लगाने कहती है। और तब नारू बताती है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह शिकार कर सकती है और वो बस इसी चीज को साबित करना चाहती है, जिसमें वहां डैन आता है और वो मरे हुए पंछी को लाया होता है और इसी वजह से उसकी माँ काफी खुश होती है। और वहाँ नारू को भी अब शिकार करना होता है और वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जंगल में एक स्पेसशिप अदृश्य होकर आसमान की तरफ जाता है और फिर वहाँ एक प्रेडेटर भी अदृश्य होकर जंगल में घुसता है। अगले दिन नारू फिर से अपने काम में लगी होती है और वो फूलों को जमा करती है। और वहीं पर सभी लड़के कबीले से भागते हैं और वो लोग बताते हैं कि जंगल में एक लायन आया है और वो लोग उसका शिकार करने जा रहे हैं। और फिर सभी लड़के डेन के साथ मिलकर शिकार करने जाते हैं और जंगल में काफी अंदर जाने पर उन्हें ये भी पता चलता है कि नारू उनके पीछे पीछे आई है। और तब डेन उसे वहां पर आज उसे उसका पहला मौका मिल सकता है ये बताता है और वो बाकी लड़कों को वो उनके साथ ही आएगी ये बोलता है। दूसरी तरफ जंगल में एक चूहा प्रेडिएटर को खा रहा होता है और तब एक सांप उस चूहे को खा जाता है और फिर वो प्रेडेटर को खाने जाता है और तब प्रेडेटर उसे काटकर उसकी चमड़ी निकाल लेता है। और फिर जंगल में कुत्ता लायन को ढूंढने सबको लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ उन्हें काफी बड़े बड़े पैरों के निशान मिलते हैं जो कि लायन के नहीं होते, ये चीज नारू को लगती है। और आगे जाने पर उन्हें उनका एक आदमी घायल मिलता है और तब नारू इसका इलाज करती है। और वहां से रात को वो सभी लोग उसे लेकर निकलते हैं और फिर वो लोग कबीले की तरफ जाते हैं और वहीं पर पीछे से उन्हें किसी जानवर के होने का एहसास होता है और तब नारू वहां पर देखती है, जिसमें उसे वहां पर एक मरा हुआ चूहा और सांप का शरीर दिखता है और वो दूसरे लड़के भी देखते हैं।
और वहां से डेव लायन को मारने दूसरी तरफ गया होता है। और ये काम किसी जानवर का नहीं है ऐसा नारो को लगता है, और उसे पेड़ पर काफी सारा खून भी दिखता है। और तब एक लड़का नारो की मदद के लिए उसके साथ जाता है और बाकी लोग कबीले की तरफ निकलते हैं। और वहां से नारू अपने भाई डेव की मदद के लिए जाती है, जिसमें उसे एक जगह पर काफी बड़े पैरों के निशान दिखते हैं, और वहीं पर डेव भी उन्हें मिल जाता है। और वो नारू को घर जाने कहता है, और तब नारू बताती है कि यहाँ पर लायन नहीं बल्कि कोई बड़ा जानवर है। और तब देव उन्हें उनके पीछे आने कहता है, जिसमें वहां दूसरे मरे हुए जानवरों को भी वो दिखाता है, जिसमें उसके हिसाब से वो लायन है और वो कभी भी किसी का शिकार कर सकता है। और तब देव एक प्लान बनाता है और दोनों को वहां पर छुप जाने कहता है। फिर देव वहां पर मरे हुए जानवरों को एक पेड़ के पास लाता है, और नारू और वो लड़का पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है, जिसमें वहां पर वो लड़का भी नारू को काफी कमजोर समझ रहा होता है। और वहीं पर लायन उस पर हमला करके उसे गिरा देता है, और नारू उस पर निशाना लगाने जाती है, जिसमें वो लायन पेड़ पर चढ़ जाता है और वो नारू की तरफ आता है। और तब नारू पीछे जाती है और वो लायन उस पर कूद पड़ता है, और डाली टूटने पर वो दोनों नीचे गिरते हैं। कुछ घंटों के बाद नारू घर पर उठती है, जहाँ उसकी माँ उसका इलाज करती है, और देव उसे वहां पर लाया ये वो बताती है, जिसमें नारू को फिर से जंगल में जाना होता है। और तब उसकी माँ उसे दवाई पीकर आराम करने कहती है, और वो बताती है कि जंगल से आया हुआ घायल लड़का उसकी दवाई से बच चुका है, जिसमें वो इस चीज में काफी अच्छी है, और उसे जानवरों को मारने से अच्छा लोगों को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। और फिर जंगल से देव और उस लायन के सर को काटकर अपने कबीले के पास आता है, और उसका सर वो मुखिया के पैरों में डालता है, जिसमें ये चीज नारू भी देखती है। और मुखिया अपने पूरे गांव के सामने देव की तारीफ करता है, जिसमें सभी लोग खुश होते हैं और वहां जश्न मनाते हैं। लेकिन वहां नारू इस चीज से खास खुश नहीं होती, और वो वहां से निकलने चाहती है, और तब देव उसे रोकता है, और उन्होंने साथ में मिलकर ये किया ये वो बोलता है। और तब नारू बताती है कि उसने ये अकेले किया है, और अभी भी जंगल में वो दूसरा जानवर है जिसने सांप की चमड़ी निकाल दी थी, और ये काम लायन नहीं कर सकता। और तब देव उसे शांत होने कहता है, जिसमें नारू को उसकी परमिशन नहीं चाहिए और वो अकेले उस जानवर का शिकार कर सकती है ये बताती है। और तब देव उसे आगे बढ़ने कहकर वहां से निकल जाता है। लेकिन नारू को ये चीज सही नहीं लगती, और वो घर पर आकर सो जाती है। अगले दिन सुबह वो उठती है, जिसमें सभी औरतें फिर से अपने काम पर निकलती है, और तब नारू अब ये नहीं करेगी ये डिसाइड कर लेती है, और फिर वो अपनी शिकार का सामान लेकर उस जानवर को मारने के लिए अपने कुत्ते के साथ निकल पड़ती है, और वो घने जंगलों में आगे बढ़ती है। और फिर काफी सारा चलने पर एक जगह पर प्रेडेटर का उसे खून मिलता है, जिसमें वहां उसके पैरों के निशान को भी नारू देखती है, जो कि आम जानवरों से काफी बड़े होते हैं। दूसरी तरफ एक खरगोश पर एक भेड़िया चपट पड़ता है, और वो भागकर उसे पकड़ने जाता है, और तब भेड़िए पर प्रेडेटर हमला करता है, और फिर वो भेड़िया और वो प्रेडेटर दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें प्रेडेटर अपने ब्लेड से उस भेड़िए को काट कर मार देता है, और फिर वो उसके सर को काट कर चिल्लाता है। दूसरी तरफ जंगल में नारू फिर से कुहाड़ी से निशाने की प्रैक्टिस करती है, और वहाँ उसे एक आइडिया आता है, और तब वो कुछ पत्तों को काट कर एक काफी मजबूत रस्सी बनाकर कुहाड़ी से लगाती है, जिससे वो जल्द से जल्द कुहाड़ी को अपने पास वापिस खींच सके। कुछ देर बाद वो वहां से निकलती है, और फिर रात होने पर नारू एक जगह पर बैठकर खाना खाती है। अगले दिन नारू फिर से अपने कुत्ते के साथ आगे बढ़ती है, जिसमें उन्हें उस जानवर को मारकर अपने कबीले को बचाना होता है। दूसरी तरफ प्रेडिएटर भी भेड़िए के सर की चमड़ी को एसिड से जला देता है, और फिर वो उसकी खोपड़ी को अपने पास रखता है, जिसमें बाहर से उसे नारू के कुत्ते की आवाज़ आती है, और तब वो उससे लड़ने तैयार होता है। और नीचे की तरफ नारू आगे बढ़ती है, जिसमें उसे काफ़ी सारी भैंसें मरी हुई दिखती है, और तब वो उनके पास आकर उन्हें देखती है, और वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और फिर नारू उनके लिए प्रार्थना करती है, और वहाँ पर उसे एक शिकार का टुकड़ा भी मिलता है। और फिर नारू जंगल की तरफ आगे जाती है, जिसमें जंगल के बीच में एक पेड़ पर उसे जानवर के निशान दिखते हैं,
और तब वो उन्हें देखने जाती है और वहीं पर कीचड़ में फंस जाती है, और वो वहाँ से आगे बढ़ती है वैसे ही अंदर फंसने लगती है। और तब नारू दूर की लकड़ियों के बीच में अपनी कुहाड़ी को फंसा देती है और उस दलदल से निकल जाती है। और फिर पास के एक पानी के छोटे से कुंड में जाकर नारू खुद को साफ करती है और वहाँ कुत्ता उसे देख रहा होता है। और फिर नारू वहाँ से आगे देखती है जिसमें उसे एक पानी के पास भालू हिरन को खाते हुए दिखता है, और वहाँ भालू नारू को सूंघ लेता है और वो उनके पास आता है। और तब नारू नीचे आती है जिसमें वो भालू नारू के कुत्ते के पीछे आता है, और तब नारू वहाँ से नदी में कूद पड़ती है और वो दूसरी तरफ पेड़ों के बीच में फंस जाती है, और वहाँ भालू घुस रहा होता है और वहीं पर भालू को प्रेडिएटर बाहर खींच लेता है। और ये चीज़ नारू भी देखती है जिसमें वो प्रेडिएटर भालू से लड़ता है और फिर वो उसे उठाकर उसके पेट में ब्लेड मारकर उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है। और ये चीज़ नारू भी देखकर डर जाती है और वो वहाँ से पानी में दूसरी तरफ भागती है जिसमें प्रेडिएटर भी उसे देखता है, लेकिन उसके मास्क से उसे पता चल जाता है कि नारू के पास कोई हथियार नहीं है। और फिर नारू वहाँ से पानी में बहकर काफ़ी नीचे आती है और फिर पानी से बाहर निकलती है जिसमें वो काफ़ी डरी हुई होती है। और फिर नारू आगे बढ़ती है और वहीं पर उसे उसके कबीले के लोग दिखते हैं जो कि उसे ढूंढने आए होते हैं, और वहाँ डेव उसे ढूंढने जंगल की दूसरी तरफ गया होता है। और तब नारू उन्हें प्रेडिटर के बारे में बताती है जिसमें उसने अकेले ही भालू को उसके सामने मार दिया होता है, और तब वो लोगों को नारू की बातें झूठी लगती है और वो लोग नारू को अपने साथ आने कहते हैं जिसमें वो वहाँ से निकल जाती है। और तब एक लड़का नारू से लड़ने लगता है और वो नारू को हरा देता है, और फिर वो लोग उसे बांध देते हैं जिसमें वहाँ प्रेडिएटर उन्हें देख रहा होता है। और फिर वहाँ वो लोग नारू को एक जगह पर बिठाकर उसके हथियार को ले लेते हैं जिसमें उन्हें वहाँ किसी दूसरे जानवर के होने का एहसास होता है। और तब वो लोग उस तरफ देखते हैं और उनमें से एक आगे बढ़ता है और वहाँ उस पर प्रेडिएटर के मास्क से निशाना लगाया हुआ दिखता है जिसमें प्रेडिएटर तीर छोड़ता है, और वहीं पर वो लड़का मारा जाता है। और तब बाकी लोग उसे देखने जाते हैं जिसमें प्रेडिएटर अपने तीर लेता है और वहाँ बाकी लोग उस पर हमला करते हैं जिसमें प्रेडिएटर दिखने लगता है, और फिर वो दोनों लड़के प्रेडिएटर को मारने चाहते हैं और तब प्रेडिएटर उनको एक एक करके मार देता है जिसमें नारू वहाँ पर अपनी कुहाड़ी से आज़ाद हो जाती है। और फिर वो प्रेडिएटर को देखती है और वो वहाँ से भागती है, और फिर वो एक जगह पर आती है जिसमें वहाँ पर उसे एक दूसरी लड़की भी मिलती है और वो प्रेडिएटर पर निशाना लगाती है। और तब नारू को उसके सर पर प्रेडिएटर का एम दिखता है, और तब वो लड़की को धक्का देकर उसे प्रेडिएटर के तीरों से बचा लेती है और दोनों वहाँ से दूसरी तरफ जागते हैं जिसमें प्रेडिएटर उनके पीछे आता है और वो उस लड़की को पकड़कर मार देता है, और फिर वो नारू के पीछे भागता है जिसमें घने जंगलों में नारू घुस जाती है और वहीं पर उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वो खुद को आज़ाद नहीं करा पाती जिसमें प्रेडिएटर उसके पास आकर उस जाल को देखता है, और फिर वहाँ पर दूसरे लुटेरे आते हैं और तब तक प्रेडिएटर वहाँ से गायब हो चुका होता है और वो लुटेरे नारू को मारकर बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद नारू उनके अड्डे पर एक पिंजरे में उड़ती है जिसमें वहाँ पर काफ़ी सारे लुटेरे होते हैं और उन्होंने नारू के कुत्ते को भी पकड़ लिया होता है जिसमें नारू को वहाँ पर एक आदमी सिगार पीते हुए दिखता है, और तब वो समझ जाती है कि उन लुटेरों ने ही उन भैंसों को मारा था। और फिर वहाँ एक आदमी नारू के पास आता है और वो नारू को बोलता है कि उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में जानना है क्योंकि वो लोग उसे मारने वाले हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और फिर वो एक हथियार नारू को भी देता है जो कि प्रेडिएटर का होता है, और उन्हें लगता है कि वो जानवर वहाँ पर दूसरे शक्तिशाली जानवरों को मार रहा है। और तब नारू बताती है कि वो सिर्फ उन्हें ही मारता है जो कि उस पर हमला करते हैं, और तब वहाँ लुटेरे ने देव को पकड़ लिया होता है और वो उसे घाव देते हैं, और ये देखकर नारू भड़क जाती है। कुछ देर बाद लुटेरे नारू और देव को एक जगह पर बांध देते हैं और वहाँ वो लोग प्रेडिएटर का इंतज़ार करते हैं जिससे वो लोग उस पर दूर से निशाना लगा सकते हैं, और वहीं पर लुटेरों के पीछे सारे लोग मरने लगते हैं और वहाँ से उनके घोड़े भाग जाते हैं जिसमें प्रेडिएटर उनके सामने ब्लेड निकालता है।
और फिर दूसरी तरफ एक आदमी भागकर आता है और तब बेव समझ जाता है कि प्रेडिएटर वहाँ पर आ रहा है। और फिर प्रेडिएटर हवा के बीच में विजिबल होकर नजर आता है और वो आगे बढ़ता है। और तब नारू बताती है कि वो उन्हें नहीं मारेगा क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं को मारता है जो कि उसे मारने वाले होते, जिसमें उसने जाल के साथ नारू को पकड़ लिया था लेकिन उसने फिर उसे छोड़ दिया था। और तब देव बताता है कि उसने नारू के चलते ही पहले लायन को मारा था जिसमें वो दोनों डाली से नीचे गिरे थे और इसी वजह से लायन कमज़ोर हो चुका था और इसलिए देव ने उसे आसानी से मार दिया था। और फिर से वो नारू को हिम्मत दिखाने कहती है और तब नारू को नीचे एक जाल दिखती है और फिर प्रेडिएटर का पैर एक जाल में फंसता है और तब सभी लुटेरे उस पर जाल डालकर उसे पकड़ लेते हैं। और तब प्रेडिएटर अपने ब्लेड से जाल को काटकर सभी लोगों को मारने लगता है और फिर वो आज़ाद होकर एक एक करके सभी लुटेरों को मारता है। और वहाँ उनकी गोलियों से बचने के लिए प्रेडिएटर कैप्टन अमेरिका बनकर शील्ड निकालता है और वो आगे बढ़कर सभी लोगों को मारता है और फिर एक एक करके सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली ख़त्म कर देता है। और तब तक नारू उस जाल को अपने पास लाती है और वो उसमें रस्सी फंसाकर देव के साथ आज़ाद होती है। और वहाँ से देव घोड़े लेने जाता है और नारू अपने कुत्ते को बचाने चाहती है। और फिर वहाँ पर प्रेडिएटर लुटेरों को गोलियों से बच रहा होता है और फिर वो अपनी एक डिवाइस को ऑन करता है और वहाँ से प्रेडिएटर पेड़ों से कूद कूद कर लुटेरों के पास से आगे बढ़ जाता है, जिसमें उन लुटेरों को उनके बीच में से एक डिवाइस नज़र आता है और उसका टाइमर ख़त्म होने पर उस डिवाइस में से 3 मशीन्स निकलते हैं और उस जगह पर काफ़ी बड़े बड़े धमाके होते हैं। और फिर वहाँ से नारू लुटेरों के बेस पर जाती हुई दिखती है, जिसमें वो वहाँ पर पहुंचकर छुपकर अपने कुत्ते और हथियारों को देखती है। और फिर वहाँ एक लुटेरा नारू के कुत्ते को मारने चाहता है और तब नारू आगे बढ़कर उन्हें मार देती है और फिर वो दूसरे लुटेरों से लड़ती है, जिसमें वो अकेले ही उन सबको मार देती है और वहाँ वो अपनी कुहाड़ी भी यूज़ करती है। और फिर वहाँ पर नारू अपने कुत्ते को आज़ाद करती है और वो वहाँ से उसे छोड़ देती है। दूसरी तरफ प्रेडिएटर अपने एक डिवाइस से अपने सारे घावों का इलाज करता है और फिर नारू भी जाल से उसके घायल हुए पैर का इलाज करती है। और वहाँ उसे एक लुटेरा मिलता है जिसमें वो घायल होता है और वो नारू की मदद मांगता है और बदले में वो उसे गन चलाना सिखाएगा ये बोलता है। और तब नारू उसके पैर से जाल निकालती है और फिर वो उसके पैर पर मलहम लगाती है, जिसमें वो आदमी उसे गन में पाउडर डालना और उसे चलाना सिखाते हैं। और तब नारू ये ट्राई करती है और फिर नारू उस आदमी को दवाई के पट्टे खिलाती है जिसमें उससे उस लुटेरे के शरीर में ठंडक लगने लगती है और वहाँ पर इस चीज़ से उसे राहत मिलेगी ये नारू बताती है। और वहीं पर उन्हें किसी के आने का एहसास होता है और तब नारू वहाँ से निकलती है और वहाँ प्रेडिएटर आता है और तब वो लुटेरा मरने का नाटक करता है, जिसमें प्रेडिएटर वहाँ पर किसी को सेंस नहीं कर पाता और वो आगे बढ़ता है और फिर वो उस लुटेरे को देखता है, जिसमें नारू भी प्रेडिएटर को देख रही होती है। और वहाँ प्रेडिएटर लुटेरे पर पैर रखता है और तब वो चिल्लाता है और तब प्रेडिएटर उसे ख़त्म कर देता है। और फिर नारू का कुत्ता भागकर प्रेडिएटर के पास आता है और तब प्रेडिएटर उस पर निशाना लगाता है और वहीं पर देव प्रेडिएटर के सर पर वार करता है और उसका मास्क गिरा देता है, जिसमें उसका निशाना चूक जाता है और उसका निशाना वहीं पर जाता है जहां उसके मास्क से एम लगा होता है। ये चीज़ नारू देख लेती है और फिर देव प्रेडिएटर पर हमला करता है और वहां प्रेडिएटर अपना मास्क पहन लेता है, जिसमें नारू अपनी गन तैयार करती है और वो भी प्रेडिएटर को मारने चाहती है लेकिन वो नहीं चलती। और फिर वहाँ देव प्रेडिएटर को भाले से मारकर उससे लड़ता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और वहाँ देव प्रेडिएटर को घायल कर देता है और तब प्रेडिएटर वहाँ से इनविजिबल हो जाता है। और वहाँ नारू फिर से गन तैयार करके उसे ढूंढती है, जिसमें देव नारू को भागने कहता है और वहीं पर प्रेडिएटर उसे मार देता है और तब नारू काफ़ी दुखी होती है और वहाँ प्रेडिएटर नारू को भी मारने चाहता है और तब देव उसके पैर में वार करता है और तब प्रेडिएटर उसे काट देता है। और वहाँ से तब तक नारू निकल चुकी होती है। कुछ देर बाद नारू एक नदी के किनारे पर काफ़ी दुखी दिखती है और उसने बदला लेने का डिसाइड कर लिया होता है।
और फिर एक जगह पर नारू अपने कुत्ते के साथ दिखती है, जिसमें उसे वहां एक लुटेरा दिखता है और वहां वो प्रेडेटर का हथियार भी देखती है। और फिर वो लुटेरा वहां पर पानी पी रहा होता है और तब नारू उसे मारकर बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद उसने लुटेरे के पैर को काटकर उसे जंगल में रखा होता है और तब लुटेरा उठता है और फिर वो नारू के पास आकर उसकी गन लेकर उसे मारने चाहता है, जो कि खाली होती है। और तब नारू बताती है कि वो भी एक शिकारी है और वो काफ़ी खतरनाक है। और वहीं पर उन्हें प्रेडेटर के आने का एहसास होता है, जो कि लुटेरे की गन को सेंस कर लेता है और इसलिए वो उसके पास आता है। और वहाँ नारू भी उसे देखती है और फिर वो प्रेडेटर उस लुटेरे के सर को काट देता है। और तब नारू पीछे से उस पर गोली चलाती है, जिसमें उसका मांस गिरने पर नारू उसे लेकर भाग जाती है। और वहाँ वो प्रेडेटर काफ़ी चिल्लाता है। और फिर एक जगह पर नारू ने पैड पर काफ़ी सारे नोकीले भाले लगाए होते हैं और वो मास्क को एक जगह पर सेट कर देती है। और फिर वहां पर प्रेडेटर लुटेरे के पैर के खून के निशानों से आगे आता है और वो एक जगह पर रुकता है। और तब नारू ऊपर से उसे देखती है और वो प्रेडेटर पर हमला करके उसे मारने चाहती है। और तब प्रेडेटर उससे लड़ता है और वो अपना हथियार निकालता है। और तब नारू वहां से भागती है और वो प्रेडेटर पेड़ों से कूदता है, जिसमें उसे भाले लगते हैं। और वहाँ नारू उसे मारने चाहती है और नारू उसके हाथ को पेड़ में फंसाकर उसे काट देती है। और फिर दोनों लड़ने लगते हैं और वहाँ नारू उसे घायल कर देती है। और तब प्रेडेटर नारू को पकड़कर शील्ड से उसके गले को काटने चाहता है और वहाँ नारू उसके दांत से उसे मारकर आज़ाद हो जाती है। और तब नारू प्रेडेटर के सामने आती है, जिसमें वो प्रेडेटर के पैर पर वार करती है और वहाँ से उस पर चढ़कर उसे बांधकर दलदल में गिरा देती है, जिसमें प्रेडेटर डूब जाता है और फिर वो दलदल से बाहर आता है। और तब उसके सामने नारू होती है और वो उस पर निशाना लगाता है और यही नारू का प्लान होता है, जिसमें उस मास्क से निशाना प्रेडेटर के सर पर ही लगता है। और तब प्रेडेटर उसे सामने समझकर तीर छोड़ता है, जो कि नारू के साइड से जाकर घूमकर प्रेडेटर के सर में ही लगता है और वो वहीं पर मारा जाता है। और तब नारू खुश होकर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। अगले दिन सुबह नारू जंगल से कबीले में आती है और वहाँ उसकी माँ उसे देखकर खुश होती है। और फिर नारू वहाँ पर अपने मुखिया को उस प्रेडेटर का सर और गन देती है, जिसमें वो बताती है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है, जिसमें उन्हें इस जगह से दूसरी तरफ जाना चाहिए, जिसमें वो लोग इस बारे में सोचते हैं। और वहाँ वो लोग अपने मरे हुए लोगों के लिए दुखी होते हैं। और फिर वहाँ पर नारू को सम्मानित किया जाता है, जिसमें सभी लोग खुश होते हैं। और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन फिल्म ख़त्म होती है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।